दोस्तों आज हम बात करेंगे मैग्नस इफेक्ट के बारे में। तो मैग्नस इफेक्ट होता क्या है, ये आप पे कहता है डेविएशन ऑफ अ बॉल फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। बॉल जहाँ पर जानी चाहिए आपकी, वहाँ ना जाके बॉल आपकी डेविएट कर जाए, या पहले टप पर खा जाए या फिर बैट्समैन को यॉर्कर चले जाए। वो कैसे होगा उसको समझते हैं। देखिए, जब बॉल आप सीधी फेंकेंगे, आपने बॉल को सीधा फेंका, तो क्या होगा, जब बॉल आपकी सीधी जाएगी। जब बॉल को आपने क्या किया, आपने रोटेट कर दिया। रोटेट कैसे किया है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाया बॉल को, ठीक है। तो बॉल जो इस तरह से घूमेगी, तो बॉल आप इस तरह घूमने की वजह से बॉल यहाँ टप्पा खा के बॉल कहाँ गई, आगे टप्पा खा जाएगी। अब बॉल को आपने क्या किया, इस तरह से घुमाया है, ठीक है, क्लॉक वाइज इस तरह से घुमाया आपको, आपका क्या होगा, बॉल आपको आगे ना जाके बॉल पहले टप्पा खा जाएगी। इससे क्या होगा, बैट्समैन कन्फ्यूज हो जाएगा और बैट्समैन पहले आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसको अभी समझते, ये काम कैसे करता है, ये हमें बताता है बर्नौली प्रिंसिपल। इसको समझते फिनोमिना को। आमतौर पर क्या होगा कि जब बॉल आपकी आगे जा रही है, जब बॉल आपकी आगे जाएगी तो क्या होगा, एयर की वेलोसिटी क्या होगी, पीछे जाएगी, ठीक है। बॉल आगे जा रही है, एयर की वेलोसिटी क्या होगी, पीछे। ये नॉर्मल केस है, जब बॉल को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, बॉल को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह से घुमा रहे हैं, देखिए, एक जो आपकी वेलोसिटी एयर की वजह से होगी जो पीछे जा रही है, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर हमने देख लिया। एक वेलोसिटी जो होगी वो बॉल के घूमने की वजह से होगी, बॉल आपकी ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, तो देखिए ये वेलोसिटी एक इधर हो गई। अब बॉल आप घूम के इधर ऐसे जा रही है, एक वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे होगी, तो देखिए कुछ वेलोसिटी पीछे है, एक वेलोसिटी आगे, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर सारी की सारी वेलोसिटी क्या है, इस तरफ है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ वेलोसिटी क्या है, कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो हमेशा आपको पता ही है कोई चीज़ हायर से लोअर की तरफ जाती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो नेट प्रेशर कहाँ लगेगा, ऊपर। तो बॉल आपको जहाँ जानी चाहिए वहाँ जाके क्या होगा, बॉल आपकी आगे चली जाएगी और क्या होगा, बैट्समैन खेलेगा और आउट हो जाएगा, ठीक है।